यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर आपको देखने मिल जाएगा। और ओपीडी 2 में ऐसा होता है कि ऑन साइलेंसर की अगर बात करें, पहले से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बाकी तो स्मूथनेस जो है गाड़ी की काफ़ी अच्छी हो गई है। के बारे में अब डिज़ाइन में ऐसा है कि ना, काफ़ी सुंदर और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी की गई है। ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। माय नेम इज शुभम और आज हम लोग आ गए हैं आज जावा यूएसडी शोरूम पे, और हमारे पास अवेलेबल है आज क्लासिक लेजेंड जावा 42। और ये जो है गाड़ी अभी न्यू आई है, न्यू मतलब कि 42 पहले से आ रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन ये OBD2 वेरियंट है जो कि अभी नए नए चीज़ें कुछ चल रही है इसकी वजह से अभी कुछ आ गया। तो हम लोगों ने आज व्हाइट कलर चूज किया था, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। व्हाइट कलर में मैट व्हाइट कलर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो चैनल पे न्यू भाई सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना कहीं अगर इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देख रहे हो तो। बाकी तो सब बढ़िया है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, ये है हमारे पास जावा 42 क्लासिक लेजेंड जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, पहले से क्या चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इंजन की ही बात कर लेते हैं, जो कि इंजन में कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं, जैसे कि 293 CC आता था, अभी 294 CC हो गया है। तो उसकी वजह से अभी इंजन सब कुछ एकदम पहले जैसे आते थे वैसे ही सेम ही है, बट थोड़ा चलाने में स्मूथनेस आ गई है। लो एंड टॉर्क जो है काफ़ी अच्छा मिले, अगर आप 20 या 30 की स्पीड पे भी चला रहे हो तो, अगर फोर्थ गियर में भी हो तो नॉकिंग का साउंड नहीं आएगा और काफ़ी स्मूथली चलेगी, ये फीडबैक्स हैं इसके तो इस हिसाब से। बाकी OBD2 है तो डिजिटल क्लस्टर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर आपको देखने मिल जाएगा। और OBD2 में ऐसा होता है कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक, जैसे कि अगर कोई गाड़ी पर मेल फंक्शन हो रहा है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये खुद से कर लेगा। और दूसरी बात यह है कि इसको गाड़ी ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पोर्ट आता है OBD पोर्ट, इसके थ्रू सर्विस सेंटर पे ही पता कर सकते हैं कि गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, तो उसको उधर से डायग्नोस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, हेलोजन सेटअप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन सेटअप आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और साइलेंसर की अगर बात करें, पहले से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बाकी तो स्मूथनेस जो है गाड़ी की काफ़ी अच्छी हो गई है। अब गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा अब ब्यूटीफुल, अगर अब मैं बताऊं क्या डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन में ऐसा है कि ना काफ़ी सुंदर और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी की गई है। ठीक है, अब हर जगह आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, आप देखो यहाँ पर भी जो है जावा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और हर जगह छोटा छोटा आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पर भी देखने के मिल जाता है। प्लस मुझे इसके जो रिम्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। टायर साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो 120/80/17 इंच के आपको व्हील्स मिलते हैं, जो कि अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अलॉय व्हील्स इज अ ट्यूबलेस टायर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको क्लासिक लेजेंड 42 का स्टिकर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। प्लस एक और चीज़ ये दिख सकते हैं आप यहाँ पे, तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसके अंदर ध्यान रखी गई है। और टायर की, टायर बात करें तो MRF के टायर्स मिल जाते हैं, नाइलो ग्रिप जेपस, तो ये आपको सामने भी मिल जाएगा। फ्रंट में अगर हम टायर साइज की बात करें, फ्रंट में टायर साइज आपको 90/90 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। डुअल चैनल वेरिएंट है, डुअल चैनल ABS आपको इसके अंदर मिलता है। फ्रंट डिस्क थोड़ा बड़ा मिलेगा, पीछे में थोड़ा ऑलमोस्ट ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा छोटा मिलता है। वाइब्री के ब्रेक्स मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छे आते हैं। ठीक है, अब OBD2 में क्या क्या चीज़ें की गई थी, थोड़ा बहुत माइलेज में बोल रहे हैं कि माइलेज में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी बुकिंग स्टार्ट हो रही है। अब ऑन रोड आने के बाद फिर 1-2 महीने बाद पता चलता है कि माइलेज में कितना चेंजेस आया है, कितना सब कुछ आया है। तो प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो प्राइस आपको 3 वेरिएंट मिलता है, पहले से 3,000 रुपीज़ थोड़ा बढ़ गया है। तो ये जो व्हाइट कलर देख रहे हो आप, तो 197 में स्टार्ट होता है, एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ। और एक और कलर अपने पास अवेलेबल है ये, तो ये आपको 198 रुपीज़ का पड़ता है, 198 रुपीज़ नहीं मतलब 1,98,000 एक्स शोरूम प्राइस। प्लस यहाँ पर आपको एक और ये कॉस्मिक, कॉस्मिक ग्रीन कलर है, ठीक है, कॉस्मिक कार्बन कलर जो है। आप इनका कहना है कि भाई ये जो टू व्हीलर मार्केट में ये कलर कहीं पर भी नहीं बनता है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो ध्यान से तो महिंद्रा की जो थार आती है उसमें ये कलर आता है। ठीक है, महिंद्रा की जितनी फोर व्हीलर्स आती है ना उसमें आपको कलर देखने को मिलेगा। आप बोलोगे भाई, जो जो लोग नए देख रहे हैं जिनको नहीं पता, जावा भी महिंद्रा का ही ब्रांड है। ठीक है, तो महिंद्रा की जो फोर व्हीलर्स आती है उसके अंदर ये आपको ये कलर देखने मिलेगा। इसका जो प्राइसिंग है 199 तक एक शोरूम है, ठीक है, 1,99,000 जो कि एक शोरूम प्राइस इसका पड़ता है। तो हमारे पास ये तीन कलर अवेलेबल है, तीनों के प्राइस मैंने आपको बता दिए। और
पावर की बात करूँ, पावर फिगर की 27 PS पावर मिलती है, 27 Nm टॉर्क जो है मिलता है। पहले से स्मूथनेस बढ़ गई है और होपफुली आगे भी थोड़ा थोड़ा चीज़ें होती रहेंगी। हीट के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट हीट जो हीट भी बोल रहे कि थोड़ा बहुत कम हो गया है। ठीक है, वो डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है तो सारी चीज़ें इसके अंदर जितने के लिए मिल जाती है इसमें, तो डिजिटल क्लस्टर देखने के लिए आपको मिल जाए। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज कर दी है, पहले एनालॉग आता था अभी डिजिटल दे दिया है, जिसमें आपको ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ठीक है, साइड स्टैंड का कट ऑफ सिस्टम भी आता है, साइड स्टैंड जो लगा हुआ है उसका भी साइन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर स्विच मॉड्यूल जो है उसका पूरा चेंज कर दिया गया है पहले से, और प्लस हजार्ड बटन भी ऐड कर दिया गया है। हमने लास्ट वीडियो बनाया था बजाज में, जिन्होंने कर तो रहे हैं बट हजार्ड जो बटन मैंने बताया था, काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं करके दे रही है बट उतना नहीं दिया था, बट इसके अंदर आपको मिल जाएगा। प्लस रॉयल्टी मिल जाएगी, आप बैठ के चलाओगे तो आपको बैठ के ही दिखा देता हूँ जो लुक आता है भाई। अगर आप रॉयल इनफील्ड में जाने से के सोच रहे हो तो उससे बढ़िया तो आप इसमें चले जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक तो टॉर्क भी अच्छा दे देती है, माइलेज भी अच्छा दे देती है, प्लस पावर भी रॉयल इनफील्ड की जितनी भी कार बाइक्स आती हैं इस रेंज में उनसे ज़्यादा आपको मिल जाती है। अब तो कोई भी वाइब्रेशन और नॉइज जो पहले आती थी थोड़ा बहुत उसको एकदम क्लीन कर दिया गया है, जो कि और भी सही बात है। ठीक है, तो भाई ये था वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, नमस्कार, जय भोलेनाथ।